हेलो फ्रेंड्स, रेपेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बटन स्विंग फुट से बटन लगाना बताऊंगी। ये देखिए, ये बटन लगाने वाला फुट है और इसी से आज हम बटन लगाएंगे। और इसमें इस तरह के सभी बटन, ज़्यादातर सभी बटन इससे लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बटन है तो इससे हो सकता नहीं लगे। और अगर आपको बिना फुट के भी बटन लगाना है तो उसका वीडियो मैंने इस पर डाल रखा है। स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हो और बिना फुट के बटन लगाना सीख सकते हो। और उसी वीडियो में मैंने चाक बनाना भी बताया है, वो आप देख सकते हो। अब हम इस फुट से बटन लगाना बताते हैं। अब हम मशीन की सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, नीडल है जो नीचे है उसको ऊपर उठा लीजिए और अब आप सेलेक्टर डायल को जिगजैग स्टिच पर सेट कर लीजिए। स्टिच लेंथ को आप 1 से 4 के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। अब हम फीड डॉग ड्रॉप करेंगे। ये लीवर है, इसको आप दबाइए, दबा करके और राइट साइड में ले जाकर इसको छोड़ना है। ये देखिए, इस स्लॉट के अंदर ये फिक्स हो जाता है। इस तरह से आपको इसको फीड डॉग ड्रॉप करना, ताकि आपका कपड़ा जब हम बटन लगाए हो चले नहीं। अब हम नॉर्मल प्रेशर फुट को हटाएंगे, फुट लिफ्टर को ऊपर उठाएंगे और इधर पीछे जो लीवर दे रखा उसको दबाएंगे और ये बाहर आ गया। अब आपको इसको लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे। ये जो ब्लू ब्लू दे रखा है वो इधर अपनी साइड रहेगा लगाने में। अब हम कपड़े पे मार्किंग कर लेते हैं कि हमें बटन कहाँ पे लगाना है। पहले मैं आपको छोटा बटन लगाना बताऊंगी। ये जो हमने मार्किंग करी उसके बीचों बीच सेंटर में रखना है इस बटन को बिल्कुल। पहले आप बटन का लेफ्ट साइड का होल मैच करा लें इस तरह से रख के, ये देखिए ऐसे। और फिर आप इधर राइट साइड का होल मैच करा लें, ये देखिए ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसकी विड्थ को कम ज्यादा करेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब ये बराबर मैच कर रहा है, इसके कहीं टकरा नहीं रही है नीडल। अब हम स्टिच कर सकते हैं मशीन से। बटन के होल पहले आप हैंड व्हील घुमाकर ही मैच कराएं, हाथ से घुमाने इस हैंड व्हील को और ऐसे मैच कराना। जब मैच हो जाए तब आपको मोटर चलाकर इसको बटन को लगाना है। अब हम फिर से ये जो होल है उसको लेफ्ट होल मैच कराएंगे, हाथ से हैंड व्हील को घुमाकर। अब हम राइट वाला होल मैच कराएंगे, ये भी मैच हो रहा है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को थोड़ी दूरी से काट लेंगे। अब हम इसको एक दो गठान लगा देंगे, ताकि ये धागा लूज नहीं हो और ये बटन गिरे नहीं। अब हम पास से धागा काट लेंगे और पीछे भी आपको इसी तरह से गठान लगा देनी है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। ये देखिए, बटन लगकर तैयार हो गया। अब आप इसको खींच के चेक कर लीजिए, बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छा बटन लगा है। ये देखिए, ये पीछे की साइड आपको दिखाती हूँ इस तरह से, देखिए। अब मैं आपको इसमें बड़ी साइज का बटन लगाना बताऊंगी।
इसमें भी प्रोसेस सेम रहेगा। सब पहले आपको लेफ्ट वाला होल मिला लेना है। अब हम राइट वाला होल मैच कराएंगे। ये देखिए टकरा रही है नीडल, हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। अब नीडल नहीं टकरा रही है, देखिए एकदम आसानी से जा रही है अंदर। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले आपको हैंड व्हील से ही इसको चेक करना है। इसमें भी नीडल देखो नहीं टकरा रही है, देखिए ये देखिए। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। इसके भी हम गटान लगा देंगे। बहुत ज्यादा गटान लगाने की जरूरत नहीं है, दो बार आप लगा दें तो ये जल्दी से खुलेगा नहीं बटन। और बैक साइड पे भी आप इसी तरह से गटान लगा दें और फिर एक्स्ट्रा धागे को आप काट लें। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बटन लगे हैं। और मशीन से बटन लगाना बहुत ही आसान है, ये देखिए बहुत ही इजी है। कोई भी इस तरह से अपनी मशीन से बटन लगा सकता है घर पर ही। अब मैं आपको सुई धागे से बटन लगाना बताऊंगी। धागे को आपको चार फोल्ड कर लेना है और लास्ट में जाके इस तरह से उसमें गटान लगा देनी है, इस तरह से, ताकि बटन को मजबूती मिल जाती है। चार फोल्ड होने से जल्दी भी लग जाता है और बटन जल्दी से मजबूत भी हो जाता है। तो इसके लिए पहले हम नीडल को नीचे से लाएंगे, इस तरह से एक होल में ले जाते हुए इस तरह से, और आप सीधा इस तरह से भी लगा सकते हो और क्रॉस में भी लगा सकते हो। मैं क्रॉस में लगाकर बता रही हूँ आपको, इस तरह से। जिसमें हमने धागा लगाया पहले हम उसी को पक्का करेंगे, इस तरह से देखे। आप करीब करीब तीन से चार बार इसमें निकाल सकते हो नीडल को। अब हम दूसरे होल में ले लिया, ये देखिए इसको हम इसी से क्रॉस में ले आएंगे इसी तरह से, ये देखिए। और जिस होल से हम निकालते हैं इसको उसके होल में नहीं ले जाके नीडल को दूसरे होल में ले जाते हैं, नहीं तो वो खुल जाएगा वापस। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप इसे पीछे से ऐसे भी देख सकते हो। अब हम पीछे इसके गटान लगा देंगे और इसको पक्का कर देंगे ऐसे। एक दो बार करीब करीब आपको ये करना है पक्का इसको, फिर आपको इसको पास से काट लेना है। ये देखिए बटन लगकर तैयार हो गया। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है हाथ से बटन लगाने की, वो धीरे धीरे से लगाए, नहीं तो हो सकता उसकी उंगली में सुई चुभ सकती है। और इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है हाथ और हाथ से लगाने में, और मशीन से लगाने में जल्दी लग जाता है। बाकी देखने में ये देखिए एक जैसे ही लगते हैं, फिनिशिंग एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं होता। ये देखिए सभी बटन मजबूती से लग गए। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक व शेयर करें। थैंक्स।